पीछे की लाइट है ना वो देखिए आप, ये अलग से आपको 7 की बैजिंग मिल जाएगी। 1200 cc 4 सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, पेट्रोल का वेरिएंट हमारा रहेगा। अगर हम इसको एयर फिल्टर ओपन करते हैं ना, कुछ में क्या रहता है भाई, हमारे को पेचकस वगैरह की जरूरत पड़ती है, इसमें यहीं से इनको पिन को करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आए एक और नई गाड़ी का रिव्यू लेकर। गाड़ी हमारे पास भाई फ्रोंग सेट डेल्टा प्लस मॉडल है, इसका डिटेल से आपको रिव्यू कराएंगे। इस गाड़ी के अंदर क्या क्या आपको मिल जाएगा, जो ब्लेनो के ही सेगमेंट की भाई ये गाड़ी इन्होंने अभी निकाली ना कुछ ही दिन पहले, पूरा डिटेल से आपको रिव्यू कराएंगे। कितने इसके अंदर फीचर मिलने वाले हैं, कैसी इसकी लुक रहेगी, डिटेल से आपको वीडियो में बताएंगे। फ्रंट में हमारे को बोनट पे थोड़ा सा साइडों में ये डिज़ाइन मिल जाता है। इधर हमारे DRL है, टर्न इंडिकेटर भी साथ में रहेंगे, 3 हमारी लाइट मिल जाती है इसके अंदर। ये हमारी जो लाइटें LED के अंदर रहेंगी, ये ऐसा इसका ग्रे कलर का बम्पर मिल जाता है, ग्रिल ऐसी रहेंगी इसकी, हवा लगने के लिए स्पेस दे रखा, कंपनी का लोगो क्रोम का ये स्टफ दे रखा है, ऐसा ये ऊपर थोड़ा सा डिजाइन इसमें दे रखा है। टो के लिए ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट का बम्पर है ना, उसके अंदर हमारे को ये रफ ब्लैक मिलेगा, नीचे थोड़ा सा अलग इसमें स्टफ मिल जाएगा, डुअल टोन का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। ये रहेगी इसकी फ्रंट की जो प्रोफाइल है ना, साइड में हमारे को अलॉय व्हील मिल जाते हैं। फ्रंट के ब्रेक डिस्क के अंदर, बैक के जो ब्रेक है वो ड्रम के अंदर रहेंगे। 16 इंची हमारे को टायर मिल जाते हैं, ग्राउंड स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। बॉडी कलर के हमारे को आउटसाइड के मिरर मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर के साथ में रहेंगे, ऑटोमेटिक फोल्डेबल और एडजस्टेबल मिल जाते हैं। रूफ हमारी प्लेन रहेगी, रूफ रेल इसमें मिल जाती है, सारा फैन एंटीना रहेगा, बीच में हमारे को ब्लैक टेप मिल जाती है, बॉडी कलर के ही हैंडल मिल जाते हैं, ये रबड़ रहेगी, इस पर अलग से आप एक एसेसरी का पार्ट जैसे क्रोम वगैरह लगते हो वो भी लगवा सकते हो। डोरों पर हमारे को ये डिज़ाइन मिल जाता है, ये अलग प्लास्टिक का डिज़ाइन रहेगा, यहाँ से लेकर पूरा पीछे तक इसको कवर करेगा। यहाँ पे रहेगा हमारा फ्यूल टैंक, बैक के ब्रेक हमारे ड्रम के अंदर इसके मिल जाते हैं, पीछे से लेकर आगे तक हमारे दोनों व्हील को कवर करेगी प्रॉपर। ये पीछे हमारे को स्पॉइलर मिल जाता है, हाई स्टॉप लैंप रहेगा, डिफोगर वाइपर इसके अंदर नहीं मिलेगा हमारे को, सुजुकी का लोगो मिल जाता है, टेल लाइट मिल जाती है हमारी इसकी, 777 की बैजिंग मिल जाती है ऐसे इसमें, फ्रोंक्स की बैजिंग, रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, 4 हमारे इसमें पार्किंग सेंसर रहेंगे। बम्पर पर हमारे को कुछ डिजाइन मिल जाएगा इसमें देखने के लिए, यहाँ पे अलग ये अलग रहेगा, रफ ब्लैक ये मिल जाता है। जो बूट है ना इसका वो एक बार ओपन करके आपको दिखाते हैं, 308 लीटर है, काफी अच्छा, और हमारे को बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है, ये अलग है, इसमें जैक वगैरह रखने के लिए दे रखा है स्पेस, बंद भी हो जाता है, सही दे रखा है भाई, यहाँ पे कैरी करने के लिए हुक दे रखे हैं, ऐसा इसका हमारा स्पेयर व्हील रहेगा, टूल किट के साथ में मिल जाता है, 5-6 बैग आसानी से आप इसमें कैरी कर सकते हो, अलग से पार्सल ट्रे के साथ में ये मिल जाता है। ऐसी रहेगी इसकी हमारी जो बैक की प्रोफाइल है ना वो इसमें मिल जाती है भाई, अलग से अट्रैक्टिव लुक देता है, यहाँ से लेकर पूरी की पूरी इस पर आपको ये लाइट मिल जाएगी। 2 हमारे गाड़ी की मिल जाती है, सेंटर लॉकिंग के साथ में आती है, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, इधर हमारा जो कंपनी का लोगो है ना वो मिल जाता है, दोनों ही सेम की रहेंगी। यहाँ से करेंगे गाड़ी के एक बार ना अंदर एंट्री करके दिखाते हैं अंदर का इंटीरियर इसका कैसा मिलने वाला है। ये वाला पोर्शन है ना हमारा पूरा का पूरा फैब्रिक के अंदर रहेगा, लेदर के अंदर नहीं रहेगा। पावर ए कंट्रोल दे रखे हैं, 1 टच अप डाउन हमारी ड्राइवर वाली विंडो रहेगी, लॉक अनलॉक का बटन है, लेफ्ट और राइट का ओआरबी हम यहीं से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये वाला स्टफ अलग से दे रखा है हमारा, ड्यूल टोन का ऑप्शन इसमें मिल जाएगा, ये ब्लैक है, ये अलग है, यहाँ पे ये लेदर जैसा फील करेगा लेकिन हार्ड प्लास्टिक है, ये अलग रहेगा, यहाँ पे प्लास्टिक है। बोतल के लिए स्पेस है, अखबार के लिए स्पेस है, स्पीकर मिल जाते हैं, नीचे हमारे पैडल रहेंगे, बोनट ओपन यहीं से कर सकते हैं, फ्यूल का बटन यहाँ पे, पर्स वगैरह के लिए डायरेक्शन कंट्रोल है, फ्यूल एफिशिएंसी बटन है, फ्रंट की हेडलाइट है ना उनको यहीं से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे इसके रहेंगे एसी के वेंट। 4-वे में एडजस्टेबल हमारी सीट मिल जाएगी, आगे पीछे रिक्लाइन डिक्लाइन इसको हम कर सकते हैं, टायर प्रेशर ऐसा इसका रहेगा, डैशबोर्ड ऐसा इसका, हमारा स्टेयरिंग मिल जाता है, स्टेयरिंग के ऊपर कंपनी का लोगो, एयरबैग एक यहाँ पे रहेगा, एक हमारा एयरबैग वहाँ पे, 2 इसके अंदर एयरबैग आपको मिल जाते हैं, बोल के भी बताते हैं भाई गुड इवनिंग, स्टेयरिंग दिखाते एक बार आपको, टिल्ट मिल जाएगा, टेलीस्कोपी नहीं रहेगा, इधर हमारे म्यूजिक के कंट्रोल है, नीचे कॉल कट रिसीव वॉइस कमांड का ऑप्शन मिल जाता है, वाइपर के कंट्रोल है, इधर हमारा लाइट का कंट्रोल है, ऐसा आपको इसका ना जो MID है ना वो मिल जाएगी, फ्यूल लेवल इज लो प्लीज फिल द टैंक इमीडिएटली, RPM का दिखा रखा है इधर, इधर हमारा स्पीड रहेगी गाड़ी की, बीच में आपको डिजिटल के अंदर ये मीटर मिल जाता है, यहाँ पे गाड़ी की हमारा ट्रिप ए ट्रिप भी दिखाएगी, इधर से भी गाड़ी की जो एवरेज है ना वो यहाँ से रेंज वगैरह कितना फ्यूल है सारा डिटेल इसके अंदर मेंशन आपको मिल जाता है, ऐसी रहेगी भाई इसकी जो MID है ना वो आपको मिलेगी, काफी बड़ा सारा डैशबोर्ड मिल जाता है। यहाँ पे हमारे को म्यूजिक सिस्टम रहेगा इसमें, जो 7.5 इंची म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर मिल जाता है, ये अलग सा पोर्शन रहेगा, ड्यूल टोन मिल जाएगी इसमें, यहाँ पे भी अलग पोर्शन दे रखा है, यहाँ पे भी ऊपर अलग से 3-4 कलर मिल जाएंगे इसमें, 2 AC के वेंट मिल जाते हैं, पार्किंग इंडिकेटर रहेंगे, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ में हमारे को म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है,
होम का बटन है, पेयर के लिए है, सिस्टम बीप 24, इमेज एडिट, होम कॉल, वाईफाई, ऑटो, डे नाइट के लिए दे रखा है ऑप्शन, पेयरिंग के लिए है, डेट मीडिया डिस्प्ले क्विक सेटिंग्स दे रखी इसकी, ऑफ भी कर सकते हैं, होम का बटन, सेटिंग्स, डिस्प्ले की सेटिंग रहेगी, डेट टाइम लैंग्वेज क्लॉक स्क्रॉल अटेंशन वॉल्यूम सिक्योरिटी वेलकम एडिट होम स्क्रीन क्विक सिस्टम इंफॉर्मेशन रिसेट फैक्ट्री म्यूजिक का बेस वगैरह यहीं से सेट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन रहेंगे कुछ ऐसा, हमारा म्यूजिक सिस्टम इसका मिल जाता है। बेस मॉडल सही ना, चाहे आप फ्रोंक्स ले कोई सा भी मॉडल लो भाई, मारुति सुजुकी ने जो फिलहाल जो मारुति है, सुजुकी तो नहीं है, मारुति ने आपको बेस मॉडल से ही प्रोजेक्टर तो लाइट दे दी है और भाई ऑटोमेटिक आपको एसी उसमें मिल जाता है, रिफ्लेक्शन सा बन रहा है जैसे इसमें, इधर से हमारा फैन स्पीड रहेगी, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, एसी कंट्रोल रहेंगे, एसी ऑन ऑफ यहीं से कर सकते हैं, ये हमारी इसकी डायरेक्शन है, फ्रंट पे करना है या बैक पे करना है, यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, एक यूएसबी का मिल जाएगा, फ़ोन के लिए स्पेस है, दो कप होल्डर हैं, 5 गियर के अंदर हमारी गाड़ी रहेगी, ऐसी हमारी इसकी गियर नॉब मिल जाएगी, ये स्टफ अलग सा रहेगा साइड में, ऐसा हमारा इसके अंदर स्पेस आपको मिल जाता है, सिंपल हमारा रहेगा हैंड ब्रेक, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, आराम रेस्ट आपको इसमें नहीं मिलेगा, फैब्रिक अपोस्टी हमारी सीटें रहेंगी, फिक्स हमारी सीट बेल्ट यहाँ पे मिल जाती हैं, हैंडल बार रहेगा, वेंटी के अंदर आपको मिरर मिल जाता है, ये लाइटें रहेंगी यहाँ पे, ऊपर माइक रहेंगे बात करने के लिए कॉल पे, डे नाइट व्यू मिरर मिल जाता है, सनवाइजर मिल जाएगा, ऐसा रहेगा इसका जो फ्रंट का इंटीरियर है ना, जो डैशबोर्ड आपको ऐसा अट्रैक्टिव इसका मिल जाएगा, एक बार बैक में ले जाके दिखाते हैं आपको कैसा स्पेस इसमें मिलने वाला है, बोटल गेट स्पेस है, फैब्रिक रहेगा यहाँ पे भी, पावर कंट्रोल है, सिंपल हमारे हैंडल मिल जाते हैं, स्पीकर 4 स्पीकर मिल जाएंगे, लेग रूम स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाता है, फैब्रिक पोस्टी सीटें रहेंगी, आर्म रेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा भाई, एडजस्टेबल सभी आपको इसमें हेड रेस्ट मिल जाते हैं, जो ये वाला मॉडल है, सीट बेल्ट पीछे की तरफ भी वही लगानी अभी ज़रूरी होगी, हैंडल बार है, बीच में आपको ये लाइट मिल जाएगी अलग से, आगे भी रहेगी, यहाँ पे बीच में मिल जाते हैं, लेग रूम स्पेस देखो आप काफ़ी अच्छा इसमें आपको मिल जाता है, सीटों के पीछे पॉकेट तो नहीं रहेंगी भाई इसमें, यहाँ पे स्पेस आपको ये मिल जाता है, चार्जिंग का पोर्ट दे रखा है यहाँ पे, नीचे भी स्पेस है कार्ड वगैरह रखने के लिए, ये हमारे टूल किट यहाँ पे रख रखे हैं, ये रहेगी हमारी गाड़ी, देखिए यहाँ से इसका इंटीरियर देखिए आप, ऐसा दिखता है इसका शानदार सा डैशबोर्ड है ना, अलग से अट्रैक्टिव लुक देता है गाड़ी, ये फंक्शन जो निकाली काफ़ी बेहतरीन गाड़ी है भाई, ये पीछे की लाइट है ना वो देखिए आप, ये अलग से आपको 7 की बैजिंग मिल जाएगी, अट्रैक्टिव सा लुक देगी अलग से, जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 37 लीटर वो आपको इसमें मिल जाती है, 1200 cc 4 सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, पेट्रोल का वेरियंट हमारा रहेगा, इधर हमारा वाइपर में पानी डाल सकते हैं, यहाँ पे ब्रेक ऑयल दे रखा है, यहाँ से इसकी गाड़ी की जो सर्विस है ना वो कर सकते हैं, गेज मीटर भी साथ में दे रखा है, अगर हम इसको एयर फिल्टर ओपन करते हैं ना कुछ में क्या रहता है भाई, हमारे को पेचकस वगैरह की जरूरत पड़ती है, इसमें यहीं से इनको पिन कोक करेंगे और कहीं पर भी इसको हम अपना आसानी से साफ कर सकते हैं भाई, सर्विस वगैरह जैसे करवाते हैं तब तो होता ही है, बाहर अपने घर पे भी इसको आसानी से साफ कर सकते हैं जिसको नॉलेज होगी भाई, थोड़ी सी बैटरी वगैरह है और भाई नीचे से मैन जो है ना पूरा का पूरा ये प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपको ना इंजन पे कहीं पे भी डस्ट वगैरह लगने के लिए स्पेस नहीं दे रखा है, सारा कवर किया है, फ्रोंक्स ना डेल्टा प्लस हमारा मॉडल है, जो गाड़ी का प्राइस है वो हमारा 8,72,500 रुपये इसका रहेगा भाई, एक्सोरूम प्राइस ऑन रोड प्राइस है ना वो आप एजेंसी में आके विजिट कर सकते हो, ये गाड़ी आपको कैसे लगी प्लीज हमारे कमेंट्स आप जरूर करना, भाई ये गाड़ी है ना जो हमारी ब्लेनो आई थी ना उससे कहीं ज्यादा आपको बेहतरीन गाड़ी मिलने वाली लुक वाइज भी, और जो फ्रंट से जो इसका देखोगे ना आप लुक और जो बैक है साइड है काफी ज्यादा इसमें उन्होंने भाई चेंज कर दिया है, गाड़ी आप एक बार विजिट जरूर करना एजेंसी में और भाई देखना ये गाड़ी आपको फ्रोंक्स कैसी लगी, और चैनल पर आप हमारे को भी जरूर से बताना भाई नेक्स्ट आपकी इस गाड़ी का रिव्यू चाहते हो, और हमारे को भी कमेंट्स जरूर करना है गाड़ी आपको कैसी लगी और रिव्यू आपको कैसा लगा, हम मिलते हैं किसी नई गाड़ी का रिव्यू लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। जो गाड़ी का भाई इंजन हमारे को 88 की और 113 की पावर टोरक देता है, जो गाड़ी की एवरेज है हमारे को 21 की मिल जाती है, वो चलाने पे भी यार डिपेंड रहता है।